नजर आएंगे। उनके साथ साथ एक मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ ओपी राजभर और संजय निषाद भी नजर आने वाले, लिहाजा इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाएगा। पीएम की रैली को लेकर के जो इंतजाम है वो पुख्ता तौर पर किए गए हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के हम जानकारी दे रहे थे, इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी मोड में नजर आने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां रहने वाली है, उनके दौरों को लेकर के भी जानकारी देते हैं। सातवें चरण के प्रचार को लेकर के आज वो भी चुनावी दौरा करते हुए नजर आएंगे। सलीमपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे और यहां पर वो कहीं ना कहीं चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके साथ साथ बलिया भी जाएंगे, बलिया में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चंदौली में भी चुनावी रैली सीएम योगी करने वाले हैं। तो लिहाजा यहां से किस तरीके से आज तस्वीर निकलती है 2024 का ये महारण, और इस रण में सभी सियासी दलों ने कहीं ना कहीं जो है यहां पर कमर कस ली है। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, छठे चरण के चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ट्विटर पर पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट करते हुए यहां पर अपनी बात कही है। साफ तौर पर वोट करने की अपील यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्या कुछ उनके पोस्ट में उन्होंने लिखा है, वो भी साथ के साथ बताएंगे। तो छठे चरण के मतदान को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण के लिए मतदान करें, और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि आपका वोट देश की विकास यात्रा को और समृद्ध बनाएगी। लोकसभा चुनाव का आज छठा चरण है, सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि मतदान अवश्य करें, और इसके साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व में आपकी सहभागिता नए भारत में विरासत के सम्मान के साथ ही देश की विकास यात्रा को और समृद्ध बनाएगी। तो ये यहां पर कहीं ना कहीं ट्विटर पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर बता दें, सातवें चरण के लिए बीएसपी का प्रचार अभियान भी तेज है। और उसके साथ साथ बता दें कि आज गोरखपुर में गर्जेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। तो बता दें कि बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगी। तो बड़ी खबर, बीएसपी अध्यक्ष की रैली को लेकर के तैयारियां जो है वो बेहद तेज है। तो सातवें चरण के प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तमाम दिग्गज जो है ताल ठोक रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें, सातवें चरण के लिए बीएसपी का प्रचार अभियान भी तेज है। आज गोरखपुर पहुंचेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जहां वो चुनावी रैली करेंगे और इसके साथ साथ बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएगी। तो बीएसपी अध्यक्ष की रैली को लेकर के तैयारियां तेज है। सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे दो सहयोगी मौजूद है, आगे की खबरें वो हमें बताएंगे। ठीक है रितु, बहुत बहुत शुक्रिया, आएंगे आपके पास। प्रवीण का एक बार से रुख करते हैं। प्रवीण, आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए। अंबेडकर नगर में फिलहाल क्या कुछ माहौल है? साथ यहाँ पर अभी तो मतदाता नहीं है, ले गांव के हैं, ये एजेंट बनने के लिए आए हैं, क्योंकि 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी और पोलिंग के बाद ही, जब 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी तभी ही मतदाता जो है यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये लोग जो हैं, ये अलग अलग पार्टियों के, अपनी अपनी पार्टियों के लगभग इसमें से जो है वो प्रतिनिधि और एजेंट बनने के लिए आए हैं यहाँ। लेकिन इतना जरूर हम बात करना चाहेंगे इन लोगों से कि आखिर यहाँ पर जो है जो चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों पे हो रहा है और जनता जो है क्या चाहती है। ठीक है शैलेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे बस्ती से, क्योंकि आप बने हुए हैं पोलिंग बूथ पर, अब क्या नजारा है, क्योंकि बेहद कम वक्त बचा है और अब से 35 मिनट बाद जो है वोटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ये आपको बता दें कि धीरे धीरे मतदाता जो है वो आने लगे हैं, और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये धीरे धीरे लोग मतदाता यहाँ आ रहे हैं, अपने मत का मताधिकार करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब ये जब मतदान शुरू होगा तो ये मतदान बात करने की कोशिश कीजिएगा, जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्या मुद्दे हैं, क्या नाम होगी आपको, आपकी बात क्या मुद्दे हैं? मुद्दे वोट डालने आए हैं आप, उसका नाम आपके क्या मन में कुछ होगा सोच के विकास के नाम पे, या विकास के नाम पर भाई वोट देना है पिंटू तिवारी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी विकास होगा, चेयरमैन वही है। क्या मुद्दा है आपकी बार वोटिंग का, किन मुद्दे करेंगे? पिंटू बाबा के नाम से कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे आप केवल और यूपी की 14 सीटों पर आज मतदान होना है, जो कि सबसे अहम सीटें मानी जा रही हैं। पिछले बार के लोकसभा चुनाव की बात करें
तो 2019 में इन 14 सीटों में से 9 पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे, जबकि 4 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी और समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन इस बार क्या कुछ समीकरण बैठते हैं, किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, क्या कुछ मुद्दे हैं, ये भी आपको लगातार हम हर एक बूथ से दिखाते रहेंगे। इसी बीच रुक करते हैं एक बार फिर से न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी ऋतु बड़ी खबर के साथ जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल धीरेन्द्र, और 24 का ये महारण है और इस रण में कौन बाजी मारता है ये तो देखने वाली बात होगी। 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन आज क्योंकि छठे चरण का मतदान शुरू होना है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बता दें कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 14 सीट जहां पर मतदान आज होने, सबसे पहले बात कर ले जहां प्रतापगढ़ से उम्मीदवारों को लेकर के आपको जानकारी दे दे, संगम लाल गुप्ता बीजेपी के यहां से प्रत्याशी है। वहीं बात कर ले एसपी की, तो एसपी सिंह पटेल यहां से चुनावी हुंकार भर रहे हैं। बीएसपी से प्रथमेश मिश्रा यहां पर चुनावी मैदान में है। अब बात कर ले जौनपुर सीट की, जो कि बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से कृपा शंकर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी है। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा एसपी से यहां पर ताल ठोक रहे हैं। श्याम सिंह यादव बीएसपी से यहां पर चुनावी मैदान में है। वहीं बस्ती सीट को लेकर के भी जानकारी दे दे, जहां हरीश द्विवेदी बीजेपी के प्रत्याशी है, प्रचार उन्होंने किया और लिहाजा कहीं ना कहीं जो जनता के बीच कनेक्ट करने की कोशिश की वो भी हमने देखा। इसके साथ साथ राम प्रसाद चौधरी जो कि बीएसपी के माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, लवकुश पटेल बीएसपी के प्रत्याशी है, और इसके साथ साथ आजमगढ़ सीट जो कि बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से है। उनका मुकाबला धर्मेंद्र यादव से है, एसपी के प्रत्याशी से। वहीं पर अगर बात करें तो बीएसपी से यहां पर मशहूद अहमद जो है वो चुनावी मैदान में है। सुल्तानपुर सीट जो कि बेहद अहम सीट है, यहां से मेनका गांधी बीजेपी के प्रत्याशी है। रामभुआल निषाद एसपी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि किस तरीके की टक्कर यहां पर होती है। उदराज बदमा बीएसपी के यहां पर प्रत्याशी है। इसके साथ साथ अंबेडकर नगर सीट को लेकर भी जानकारी देते, जहां पर देश पांडे बीजेपी के प्रत्याशी है, लालजी वर्मा एसपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। वहीं कमर हयात अंसारी बीएसपी की तरफ से